हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 5 जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आज के क्वेश्चन इजी भी हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी फसल की खेप है जिसको कई सारे देशों ने वापस भारत को लौटा दिया है? तो एक्चुअली हुआ क्या कि भारत चाय का तो निर्यात करता ही करता है, इस बार क्या हुआ कि चाय की जितनी भी खपत थी या फिर जितने भी कंसाइनमेंट यूरोपियन कंट्रीज को स्पेशली गए थे, वो ज्यादातर सभी कंट्रीज ने वापस कर दिए हैं। अब ऐसा किया क्यों गया है? क्योंकि दूसरे कंट्रीज का कहना है कि भारत से जो चाय की पत्ती आ रही है, इसमें कीटनाशक की मात्रा बहुत ज्यादा है। मतलब सीधे तौर पर आप बोल सकते हो केमिकल की मात्रा इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन के जो पैरामीटर्स हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज के जो अपने ट्रेड एंड कॉमर्स के मानक हैं, उन पर ये चाय खरी नहीं उतर रही है। आपको बताऊं, भारत सरकार के पास अच्छा मौका था इस बार। रीजन क्या है कि श्रीलंका में हम सभी को पता है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, और भारत के अलावा अगर साउथ एशियन कंट्रीज में बात करें तो भारत के बाद सबसे ज्यादा चाय की पत्ती का निर्यात श्रीलंका ही करता है, और ऑलरेडी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। तो इस बार हमारे पास अच्छा मौका था, हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते थे चाय को, लेकिन जितनी भी चाय की पत्ती का उत्पादन किया गया है, ये इंटरनेशनल और इवन नेशनल मार्केट में भी खरी नहीं उतर रही है, क्योंकि इसमें केमिकल्स की मात्रा ज्यादा है। अब आपको समझ आ गया होगा कि जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाता हूं तो वहां पर रूरल डेवलपमेंट में ये चीज समझाता हूं कि क्यों नहीं केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा देखिए, यहां पर किसानों की भी पूरे तरीके से गलती नहीं है। रीजन क्या है कि जब फसल उगाई जाती है तो उसमें जब कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है तो कम से कम 10 से लेकर 15 दिन तक उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इस बार मानसून जल्दी आ जाने की वजह से, और पिछले 2-3 साल में आप देख रहे हो वेदर फोरकास्टिंग भी कई बार फॉल्स हो जा रही है। मतलब कहने का कि मौसम कैसा होगा ये किसी को नहीं पता लग रहा है, कैसा भी मौसम जल्दी जल्दी चेंज हो जा रहा है। उस केस में क्या हो रहा है कि जो कीट है, जो कीट पतंगे हैं, वो भी पानी के साथ साथ जब जब मानसून आता है तब तब वो भी आ जाते हैं, और जितने ज्यादा कीट पतंगे होंगे उतना ज्यादा कीटनाशक का छिड़काव भी करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि कीटनाशक का छिड़काव करने के 1 से 2 दिन के बाद ही इन पत्तियों को तोड़ लिया जाता है, और इस केस में चाय की पत्ती के ऊपर अधिकांश मात्रा जो होती है वो कीटनाशक की बनी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से ऐसा हुआ है। तो फिलहाल इस बार भारत को झटका लग रहा है, और जितने भी चाय के प्रोड्यूसर हैं उनका भी बाजार में स्लोडाउन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कौन सा दिन मनाया गया? ये दिवस मनाया गया 1 जून को, और ये दिवस बेसिकली अभिभावकों को ट्रिब्यूट है एक तरीके से। और इस बार 2022 में जो इसकी थीम रही, ये रही अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और टेंशन मत लीजिएगा, 2, 3 और 4 जून के जो करंट अफेयर हैं ये भी आपको आज शाम तक ही मिल जाएंगे। और पिछले 4 साल से 2019 से आज 2022 आ गया है, लगातार यहाँ पर करंट अफेयर्स देते हुए, उससे पहले अनअकैडमी पर भी प्लेटफॉर्म पे मैं करंट अफेयर देता था। तो 2019 से 2022 लगातार 4 साल की जर्नी में जब मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा है, साथ नहीं छोड़ा है, तो अभी भी ऐसा नहीं होने वाला है, बशर्ते आप लोग परेशान मत हुआ करिए। मेरा बस आपसे यही कहना है कि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में पढ़ाता हूँ और मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे जीवन में भी कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो कहना बस यही है कि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, INS निशंक और अभी हाल ही में INS अक्षय दोनों को डीकमीशन किया गया है, कौन से डॉकयार्ड से? तो दोनों ही जो INS हैं ये अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं, और इनको मुंबई के मझगांव डॉक से अभी डी कमीशन कर दिया गया है। इन दोनों INS ने 32 साल तक इंडियन नेवी में अपनी सर्विस दी है, और फाइनली इनको अभी डी कमीशन किया गया है। डी कमीशन का मतलब समझते हैं ना, रिटायर हो जाते हैं जब। और इसके अलावा आपको बता दूं, ये दोनों INS ऐसे INS हैं, कारगिल वॉर 1999 में हुआ था ना, तो उस टाइम पर ऑपरेशन तलवार नाम दिया गया था। ऑपरेशन तलवार के अंतर्गत ये इंडियन ओशन में, या आप बोल सकते हो इंडियन ओशन का अरेबियन सी वाला जो रीजन है वहां पर तैनात थे कारगिल वॉर के दौरान, उस टाइम पर ये एक्टिवेट मोड में थे। और अभी कुछ टाइम पहले
इंडियन नेवल चीफ नए बनाए गए हैं आर हरि कुमार, आपको बताइए। और इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ इस टाइम पे कौन है? वी एस पठानिया। कौन है? वी एस पठानिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है 3 जून को, परसों के दिन इसको मनाया गया। और आपको पता है बाइसिकल डे इसलिए मनाया जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि बाइसिकल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप साइकिल चलाना कभी भी मत छोड़िए। इससे क्या होगा, आप 3 चीजें बचाते हो। पहली चीज तो आप हेल्थ बचाते हो अपनी, जाहिर सी बात है वर्कआउट होता है। दूसरी चीज आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हो, अल्टीमेटली आप बोल सकते हो आप नेचर को प्रोटेक्ट करते हो। और तीसरी चीज आप अपनी मनी भी बचाते हो, आप पैसा भी बचाते हो क्योंकि फ्यूल की खपत इसमें नहीं होती है। सो अल्टीमेटली अगर आप साइकिल चलाते हो तो इन 3 चीजों को आप सीधे सीधे बचाते हो, इसलिए साइकिल डे हर साल 3 जून को मनाया जाता है। बाय द वे आज है 5 जून और आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यह कौन सा राज्य है जहां पर फैसला लिया है अडानी ग्रुप ने 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी और यूपी में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इसको यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2022 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया इसमें अडानी ग्रुप ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये 70,000 करोड़ का सीधे सीधे निवेश करेंगे। अब इस 70,000 करोड़ में कहां कहां पर निवेश करेगा अडानी ग्रुप, इसको समझ लीजिए। पहली चीज तो 35,000 करोड़ का जो निवेश है ये किया जाएगा मल्टी मॉडल और डिफेंस सेक्टर में। कहां पर? डिफेंस सेक्टर और मल्टी मॉडल में। इसके अलावा 24,000 करोड़ का जो निवेश है ये अडानी ग्रुप करेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इससे जगमगाया जाएगा। और इसके अलावा 11,000 करोड़ का जो निवेश है ये एग्रीकल्चर में किया जाएगा और ग्रीन एनर्जी में किया जाएगा। कहाँ पर? ग्रीन एनर्जी में। तो टोटल आप देख लो 70,000 करोड़ हो गया जिसका निवेश अडानी ग्रुप करेगा। अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद और इसके चेयरपर्सन है गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अडानी ग्रुप के द्वारा साउथ एशिया का सबसे बड़ा एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के तहत ही गौतम अडानी के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना करी जा रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है देहरादून की तरह आपको कानपुर का भी माहौल देखने को मिले, मतलब ज्यादातर एरिया डिफेंस सेक्टर कॉरिडोर का हिस्सा होगा। और इसी के साथ ही ये जो कानपुर के अंदर डिफेंस सेक्टर कॉरिडोर बनेगा ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर होगा। और इवन इतना ही नहीं, इट विल बी द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड यूपी डिफेंस कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा एक न्यू स्कूल मॉडल प्रपोज किया गया है जिसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स। क्या नाम होगा? प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स। अभी एजुकेशन मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि पूरे भारत में जितने भी सरकारी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको प्रधानमंत्री श्री स्कूल न्यू स्कूल मॉडल जो कि है इसके अंतर्गत तैयार किया जाएगा। और इसका मेन मोटो यह है कि जितने भी सरकारी स्कूल्स होंगे वहां पर पढ़ाई से जुड़े हुए जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उनको वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। जैसे कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोजेक्टर होगा वहां पर, पीपीटी स्लाइड प्रोजेक्टर होगा, इसके अलावा लैपटॉप जैसी फैसिलिटीज होंगी टीचर्स के लिए कि टीचर्स कभी भी कोई भी डेटा गूगल करके वहां पर स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंटेशन प्रपोज कर पाए, स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए स्मार्ट बोर्ड भी होगा। ये सारी फैसिलिटीज इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करी जाएंगी प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स न्यू योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में वर्चुअल आरटीओ लॉन्च किया गया है? वर्चुअल आरटीओ का मतलब है वर्चुअल रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस। हर एक शहर में आरटीओ ऑफिस होता है जहां से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो। तो ये है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार, इन्होंने फैसला लिया है कि ये वर्चुअल आरटीओ लॉन्च कर रहे हैं। अब देखिए वर्चुअल आरटीओ का मतलब क्या होगा, पहले भी महाराष्ट्र सरकार क्या कर चुकी है कि महाराष्ट्र के अंदर आरटीओ में आपको जितनी भी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, पुराने से नए में आपको रिन्यूअल कराना हो, या फिर आपको पेपर वाले से कार्ड वाले में कन्वर्ट कराना हो, अगर आपका लाइसेंस डैमेज हो गया है
तो आपको रीमेक करवाना हो, ये सारी चीजें। तो इस तरीके की आरटीओ की 80 फैसिलिटीज को ऑनलाइन कर चुकी थी महाराष्ट्र सरकार पहले ही, लेकिन अभी हाल ही में 6 और सर्विसेज इसमें ऐड कर दी गई हैं। तो टोटल अब महाराष्ट्र सरकार ने 86 जो कि पूरी आरटीओ सर्विसेज हैं सबको ऑनलाइन कर दिया है। इसका मेन मोटो ये है कि आप घूसखोरी से पूरे तरीके से बचें। जब आपको आरटीओ जाना ही नहीं पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट आप अपने यहीं से अपलोड कर दीजिए घर बैठे, मोबाइल से या लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, तो सीधे सीधे आप घूस देने से बच जाएंगे। साथ में आपका टाइम सेविंग भी होगा। अभी तक ये होता था कि कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए आपको ऑफिस से लीव लेकर जाना पड़ता था या स्कूल से आपको छुट्टी लेकर जाना पड़ता था, ये सारी चीजें अब नहीं होंगी। सीधे सीधे आप ऑनलाइन अपलोड करिए और आपका जो डीएल है वो आपके घर में भेज दिया जाएगा। बस आपको एक बार जाना होगा ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए, जहां पर डॉक्यूमेंटेशन की कोई बात नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉपरेशन विद विच कंट्री। अभी हाल ही में भारत ने विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉपरेशन कौन से देश के साथ साइन किया है? तो ये हमने इसराइल के साथ साइन किया है। किसके साथ? इसराइल के साथ। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में ऑफिशियली विजिट किया, और इस दौरान भारत की तरफ से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा ये पैक्ट साइन किया गया है। ये पैक्ट इसलिए भी साइन किया गया है कि अभी हाल ही में इस साल पूरे 30 साल हो गए हैं भारत और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। तो इसी के चलते इन फ्यूचर भारत और इसराइल के बीच में डिफेंस इक्विपमेंट से जुड़े कई सारे और भी ट्रेड पैक्ट्स होंगे जिसके लिए अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए। और इस दौरान आपको बता दूं, इसराइल ने आईएसए को भी ज्वाइन कर लिया है, मतलब इंटरनेशनल सोलर आलियांस, जिसकी स्थापना भारत के द्वारा 2015 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। आपको बताया ना, सोलर एनर्जीज में भारत वर्ल्ड लीडर है इस टाइम पे। पिछले साल इसराइल में नई सरकार आई है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट, क्या नाम है, नेफ्ताली बेनेट, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक हेरजोग, और इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। सऊदी संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन डिफेंस पॉलिसी को ज्वाइन करने के लिए वोट किया है? तो यह देश है डेनमार्क। डेनमार्क बहुत जल्द यूरोपियन यूनियन डिफेंस पॉलिसी को ज्वाइन कर लेगा। आपको बताऊं, यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में करी गई थी, और यूरोपियन यूनियन की स्थापना के दौरान ये 6 वो देश थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई है: जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इसकी स्थापना नीदरलैंड में ही करी गई थी, इसलिए आज की डेट में भी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर क्या है, जरा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए तो मैं समझूं। फिलहाल आपको बता दूं, आज की डेट में यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर कंट्रीज हैं, 27। उस टाइम पर केवल 6 थे जब इसकी स्थापना करी गई थी। आपको शायद याद हो, 15 दिन पहले की करीब न्यूज है कि अभी कुछ टाइम पहले नाटो के लिए 2 देशों ने अप्लाई किया है मेंबरशिप के लिए। ये 2 देश कौन कौन से हैं? तो मैं आपको याद दिला दूं, एक तो है फिनलैंड और दूसरा है स्वीडन। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से समझ लो, यूरोपियन यूनियन डिफेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया है डेनमार्क ने, और नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने अप्लाई किया है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य है जहां पर भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अभी हाल ही में इंस्टॉल किया गया है? तो इसको इंस्टॉल किया गया है उत्तराखंड के अंदर। सवाल उठता है, उत्तराखंड के अंदर कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, इस जगह को बोलते हैं देवस्थल। क्या बोलते हैं? देवस्थल। देवस्थल का मतलब यह है देवों का स्थल, एक ऐसी भूमि जहां पर देवता निवास करते हो। और देवस्थल उत्तराखंड की एक हिल है, एक पहाड़ी एरिया है जिसके टॉप में इसको इंस्टॉल किया गया है। ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसको लिक्विड मिरर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एक बहुत पतली झिल्ली की तरह एक फिल्म लगी हुई है, और ये लिक्विड मरकरी की फिल्म है, मतलब पारे की फिल्म है। अब इसका काम क्या है, सवाल ये उठता है, ये टेलीस्कोप कहीं ना कहीं स्पेस डेब्रिस, एस्ट्रॉइड हो गए, ग्रेविटेशनल लेंसेज हो गए, सुपरनोवास हो गए, उन सभी की एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं देखने का काम करेगा, कैप्चर करने का काम करेगा। ओके, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करके देगा आने वाले टाइम में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट के दौरान बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड जीता है? तो ये भारत का मेघालय है, और मेघालय में इस टाइम पे कॉनरेड संगमा की सरकार है। इस बार यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट
स्विट्जरलैंड में जिनेवा के अंदर आयोजित किया गया। और मेघालय सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेचर एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हैं, इन सारे इनके प्रोजेक्ट्स को देखते हुए मेघालय सरकार को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट के में बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेघालय में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब की सरकार है, मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, और आसाम में हिमांता बिस्वा सरमा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है अंजलाई पन्नू स्वामी। क्या नाम है? अंजलाई पन्नू स्वामी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में? तो इनका निधन हुआ है 102 वर्ष की उम्र में। और इनके बारे में आपको एक फैक्ट बताऊं, आपको याद होगा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी स्थापना करी थी। और इस रेजिमेंट को अंजलाई पन्नू स्वामी जी ने मात्र 21 वर्ष की उम्र में उस टाइम पे ज्वाइन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने जब स्थापना करी थी। और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को पूरे भारत की ही नहीं, इवन पूरे दुनिया की पहली महिला फोर्स रेजिमेंट के रूप में भी जाना जाता है। ये इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आप आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हो, उसी की सपोर्टिंग रेजिमेंट बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने इसको ज्वाइन किया था, और अब ये 102 वर्ष की थी, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और इन्होंने मलेशिया में एक सिटी पड़ता है जिसको बोलते हैं सेंतुल, सेंतुल में जाकर ज्वाइन किया था इसको। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक पार्टी की स्थापना करी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना कौन से ईयर में करी गई थी? चलिए मैं ही बताता हूँ, 1939 में करी गई थी, 1939 में। और कहाँ पर करी गई थी? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में अनंत टेक्नोलॉजीज, जो कि स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसका शुभारंभ किया गया? तो इसका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में कर्नाटक के अंदर किया गया। कर्नाटक में कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड एरोस्पेस पार्क में इसका उद्घाटन किया गया है, और इसका शुभारंभ इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ के द्वारा किया गया है। डॉक्टर एस सोमनाथ इसी साल की शुरुआत में इसरो के नए चीफ बने हैं, और इन्होंने सक्सीड किया था के सिवान को। किसको? डॉक्टर के सिवान को। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। तो अनंत टेक्नोलॉजीज एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये एक स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि इसरो का जो बर्डन है, जो वर्कलोड है, उसको कम करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये भारतीय मूल की अमरीकी हैं, या फिर आप बोल सकते हो इंडो अमेरिकन है। इनका नाम है हरिनी लोगान। क्या नाम है? हरिनी लोगान। इन्होंने इस बार स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 अवार्ड जीता है। यह अवार्ड इनको क्यों दिया गया है? तो आपको बता दूं, ये जो स्पेलिंग बी 2022 है, या आप बोल सकते हो नेशनल स्पेलिंग बी है, ये एक तरीके का स्पेलिंग कॉम्पिटिशन है। तो इनके द्वारा मात्र 90 सेकेंड में 21 वर्ड्स की स्पेलिंग सही सही बनाई गई, जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी से। और ये मात्र 8th क्लास की स्टूडेंट हैं, और इनकी उम्र है 13 साल, और इसी के दौरान ये $50,000 की धनराशि भी जीत चुकी हैं। कितनी? $50,000। और ये इस बार जो था, ये स्पेलिंग बी का 6वां संस्करण था, इससे पहले भी ये कई बार इसमें हिस्सा ले चुकी हैं। और आप सभी के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज लॉन्च करी है। इस महीने का प्लान ये है कि A to Z सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जरा इस पर एक नज़र डाल लीजिए। MTS और NTPC जो देने जा रहे हैं, उनके लिए रामबाण होने वाली है। 7 जून से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तुरंत जाके खुद को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप भूल गए तो आपकी क्लास भी मिस हो जाएगी। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड Varun777 है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं, कौन सी क्लास कब होगी? 7 और 8 जून को हिस्ट्री की मैराथन मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं पूरी हिस्ट्री आपकी रिवाइज करा दूंगा बहुत तेजी के साथ। मतलब एंशियंट भी होगी, मिडवेल भी होगी, और मॉडर्न भी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये थेरी क्लास है, तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, ये थेरी क्लास है। इसके बाद 9 जून और 10 जून को पॉलिटी की मैराथन लेकर आ रहा हूँ। फिर उसके बाद 2 दिन का गैप लूंगा, फिर 13 और 14 तारीख को हिस्ट्री की MCQs रिवाइज कराऊंगा।
इसी तरीके से 15 और 16 को पॉलिटी के एमसीक्यूज कराऊंगा और फिर 19 और 20 को आपको साइंस के एमसीक्यूज रिवाइज कराऊंगा। इन दसों क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके एनरोल कर लीजिए। एक एक लिंक पर जाके करिएगा एनरोल, तभी आपकी क्लास एनरोल होगी। कई सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, पहली क्लास में ही जाके एनरोल कर देते हैं, बाकी क्लासें फिर उन्हें मिलती नहीं है। और इसके अलावा कल से मैं पॉलिटी का बैच स्टार्ट कर चुका हूँ, पहली क्लास हो चुकी है, और क्योंकि गैप हो गया था इस वजह से आज दो क्लासेस हैं पॉलिटी की। प्लस वाले स्टूडेंट भी ध्यान रखें, आज 11 बजे क्लास है और 2 बजे क्लास है, आज 3 बजे कोई क्लास नहीं है, 11 और 2 बजे आज पॉलिटी की बैक टू बैक दो क्लासेस होनी है। तो दोनों क्लासेस में आप लोग अवेलेबल रहिएगा वहाँ पे। और जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1777 कोड के साथ आप ले सकते हो, और 8 तारीख से करंट अफेयर का भी फुल बैच आ रहा है। तो आज की बात यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।